हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मेघा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक। दोस्तों देखिए, हम प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग का पार्ट थ्री आज देखने जा रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग जो है टॉपिक वो हमारा चल रहा था और उसमें पार्ट थ्री मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। इससे पहले के दो पार्ट्स जो हमने देखे हैं उसमें हमने फर्स्ट पार्ट में सिलेक्शन और ग्रेडेशन क्या होता है उसके बारे में देखा, और जो सेकेंड पार्ट था उसमें हम लोगों ने प्रेजेंटेशन और टेस्टिंग क्या होती है इसके बारे में देखा। अब ये जो पार्ट है इसमें हम जो मेन जो प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करने के, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आप लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो देखिए पहला जो पॉइंट है वो है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी लैंग्वेज को जब हम किसी बच्चे को सिखाते हैं, जो एक जो बच्चा होता है बिल्कुल छोटा, जब वो लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करता है तो देखिए वो इमिटेशन यानी कि नकल के थ्रू सीखता है। इमिटेशन का मतलब होता है किसी को कॉपी करके सीखना। तो देखिए बच्चे को मीनिंग्स नहीं पता होते हैं, वो केवल शब्दों को जो है अपने बड़ों को यानी कि उसके पेरेंट्स को, उसके आसपास के लोगों को, शब्दों को देखता, शब्दों को सुनता है और उन शब्दों को वैसा का वैसा ही बोल की कोशिश करता है, और बाद में जो है वो उन शब्दों को जिस सिचुएशन या फिर जिस इमेज से वो रिलेट होते हैं उनसे कोरिलेट करता है। तो यही चीज़ जो होती है वो इमिटेशन होती है, यानी कि जो स्टार्टिंग में जब बच्चा सीखता है तो वो इमिटेशन के थ्रू सीखता है, नकल के थ्रू सीखता है। उसको मीनिंग नहीं पता होते हैं, वो केवल जो अपने बड़ों की जो बड़े जिस चीज़ के लिए किसी पर्टिकुलर शब्द का यूज़ करते हैं उन्हीं शब्दों को वो केवल उनकी नकल करना स्टार्ट कर देता है और बाद में कोरिलेट करता है चीज़ों को कि जो शब्द है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है। तो जो लैंग्वेज है उसका डेवलपमेंट जो है इमिटेशन के थ्रू होता है। सेकंड दे रखा है प्रैक्टिस एंड ड्रिल। देखिए किसी भी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, एक हैबिट के रूप में तैयार करने के लिए उस लैंग्वेज की बार बार प्रैक्टिस की जाती है, बार बार उसको सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है, बार बार जो है उन शब्दों को दोहराने की जो है प्रैक्टिस की जाती है, और ड्रिल भी यही होता है बार बार किसी चीज़ को दोहराना। तो देखिए इस तरीके से ही कोई भी एक जो लैंग्वेज है उसका डेवलपमेंट होता है। थर्ड जो है वो है ओरल अप्रोच। देखिए लैंग्वेज जो है वो मेन जो उसका पार्ट है वो ओरल अप्रोच ही है। लिखना बोलना ये सब उसमें बाद के जो है बाद में इम्पोर्टेंस लिया जाता है, क्योंकि देखिए ओरल हम किसी से भी कम्युनिकेट करने के लिए जो है सबसे पहले जो यूज़ करते हैं वो किसी भाषा का यूज़ केवल कम्युनिकेशन के लिए ही करते हैं। मेन जो उसका मकसद होता है एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होता है, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ होता है विद द डिफरेंट पीपल। आप सभी जानते हैं कि लैंग्वेज यही होती है। तो देखिए पहला जो रूल है वो है ओरल अप्रोच, यानी कि जो लैंग्वेज है उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो ओरल अप्रोच पर किया जाता है। फोर्थ जो है सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। देखिए सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन मैंने आपको हालांकि जो है फर्स्ट उसमें समझा दिया था, फिर भी मैं यहाँ छोटा सा बता देती हूँ आपको, थोड़ा कम शॉर्टली मैं आप लोगों को जो है डिस्क्राइब कर देती हूँ कि देखिए सिलेक्शन जो होता है उसमें हम किसी भी चीज़ को किस तरह पढ़ाना है, यानी कि कौन सी चीज़ किसके बाद पढ़ानी है ये हम सिलेक्ट करते हैं। यानी कि जैसे हम पहले बच्चों को जो है लेटर्स सिखाते हैं, उसके बाद वर्ड्स सिखाते हैं, उसके बाद जो फ्रेजेस पर आते हैं, और आफ्टर देन वी गिव देम सेंटेंसेस। तो ये जो चीज़ होती है ये पूरा फॉर्म जो होता है वो होता है आपका सिलेक्शन। और ग्रेडेशन जो होता है वो किसी भी क्लास के अकॉर्डिंग या एज ग्रुप के अकॉर्डिंग बच्चों को क्या सिखाना है, क्या स्टडी मटेरियल उनके सामने प्रेजेंट करना है अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड अकॉर्डिंग टू देयर क्लास, वही चीज़ जो होती है वो ग्रेडेशन होता है। यानी कि जो स्टडी मटेरियल है, जो पूरा सिलेबस है, उसको एक ग्रेड प्रदान कर देना, एक ग्रेड दे देना कि वो जो स्टडी मटेरियल है पर्टिकुलर वो किस क्लास में यूज़ होगा। तो ये जो चीज़ होती है वो होता है सिलेक्शन। देखिए आई होप आपको सिलेक्शन और ग्रेडेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं भी है तो आप फर्स्ट वीडियो जो है वो जाकर के देखें, इसका पार्ट वन देखें प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग का, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए फिफ्थ जो है वो है मोटिवेशन और इंटरेस्ट। देखिए किसी भी लैंग्वेज को बच्चे को अगर सिखाना है तो हमको उसको मोटिवेट करना पड़ेगा और उसमें जो है इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कोई भी टीचर जो है टीचिंग एड्स का यूज़ कर सकता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा है वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो जो टीचर है वो टीचिंग एड्स जैसे कि रियलिया वगैरह
क्लास में लेकर के आए या कुछ अट्रैक्टिव ऐसी चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट करें कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो जो लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं टारगेट लैंग्वेज उसमें क्रिएट हो जाए, या फिर जो है बच्चा अगर डीमोटिवेट है उस लैंग्वेज को सीखने के लिए, वो अपने आप को इन्फेरियर जो है समझ रहा है कि वो उसके लायक नहीं है लैंग्वेज को सीखने के, तो देखिए उसकी ये इन्फेरियरिटी हमको जो है दूर करनी पड़ेगी, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। तो लैंग्वेज सिखाने के लिए ये भी एक प्रिंसिपल होता है। अब देखिए 6 जो है सम मैक्सिम्स, इसको आप बिल्कुल ध्यान से सुने क्योंकि ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। देखिए कुछ मैक्सिम्स हैं जो लैंग्वेज को सीखने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि लैंग्वेज जो है सिंपल टू डिफ़िकल्ट पर चलती है, यानी कि पहले बच्चों के सामने सिंपल चीज़ को आप प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद जो है डिफ़िकल्ट चीज़ पर आप जाएंगे। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पर चलती है, यानी कि पहले जो है बच्चे के साथ कॉन्क्रीट फॉर्म में जो चीज़ें होंगी जो उसके सामने प्रेजेंट होंगी रियल में, वो चीज़ें प्रेजेंट की जाएंगी, बाद में जो है एब्स्ट्रैक्ट जो कि उसके सामने नहीं है जो कि उसको इमेजिन करनी है ऐसी चीज़ें उसके सामने इस्तेमाल की जाएंगी। तो देखिए ये जो होता है वो होता है मैक्सिम्स, इसको मैक्सिम्स कहते हैं, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और आपको जो है इजी टू डिफ़िकल्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और इसके अलावा जो है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये तीन मेनली जो है मैक्सिम्स आपके जो लैंग्वेज है उसको यूज़ कर जो लैंग्वेज है उसको सीखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आप बिल्कुल इनको याद रखें, मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ईजी टू डिफ़िकल्ट और कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये आपका जो है वे ऑफ टीचिंग रहेगा जब किसी भी लैंग्वेज को, इवन लैंग्वेज ही क्या, आप कुछ भी चीज़ अगर बच्चे को सिखाएं तो यही वे ऑफ टीचिंग रहता है। देखिए 7th पर आता है नेचुरल वे ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मतलब बच्चे को जो है आप नेचुरली इंग्लिश को जो है, इंग्लिश आपको पता है सेकंड लैंग्वेज के रूप में हमारे भारत में सिखाई जाती है, और जो है हम इसको जो है लैंग्वेज जो नेचुरल वे में सिखाएं, जैसे कि बच्चा अपनी मदर टंग सीखता है, मदर टंग के लिए कोई बच्चा ग्रामेटिकल बुक यूज़ नहीं करता है, कोई ऐसी हम उसको कोई टेक्स्ट नहीं देते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करते हैं, बच्चा जो है नेचुरल एटमोसफेयर में जो है उसकी मदर टंग डेवलप कर लेता है। इसी तरीके से जो है बच्चे को जब हम सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश के रूप में सिखाएं तो हम जो है उसको इस तरह का एटमॉस्फेयर दें कि जो बच्चा है वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ही इंग्लिश सीख जाए, तो ये भी एक जो है प्रिंसिपल है। 8th दे रखा है लैंग्वेज शुड बी लर्नड इन द कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन, ये बात वही है कि जो लैंग्वेज है उसको आप किसी भी सिचुएशन से रिलेट करते हुए सिखाएं, ताकि जो बच्चा है उसको अपने लाइफ के बहुत ही नज़दीक महसूस कर सके, यानी कि लैंग्वेज जो अगर सिखाई जा रही है तो इस तरह के उसको सेंटेंसेस बताए जाएं, इस तरीके के उसको वर्ड्स बताए जाएं जो उसके आसपास के एनवायरनमेंट में उसको अच्छे से मिल जाएं और सोशली यूज़ होते हों, वो अपने परिवार में उसको यूज़ कर सके, इस तरीके की चीज़ें जो है बच्चे को सिखाई जाएं, ताकि जो बच्चा है वो जो लैंग्वेज सीख रहा है वो सिचुएशंस के थ्रू सीख सके। अब देखिए 9th है अडॉप्टेशन ऑफ मल्टीपल लाइंस ऑफ अप्रोचेस, यानी कि हमको अगर बच्चे को कोई चीज़ टीच करनी है तो देखिए जैसे जस्ट लाइक एन एग्जांपल, हम किसी बच्चे को कोई पर्टिकुलर चीज़ सिखा रहे हैं, जैसे कि काओ के ऊपर हम उसको जो है एक ऐसे लिखने को दे रहे हैं, तो देखिए पहले तो हम बच्चे से क्वेश्चंस करें कि काओ क्या है, काओ के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लें, फिर उसको बच्चे को बोलें कि कुछ लाइंस आप इसके ऊपर लिखो, फिर उसको बोलें कि आप अपने दोस्तों से इसको डिस्कस करो, आफ्टर देन हम उसको ये बोलें कि आप पूरी क्लास को आप एक्सप्लेन करके सिखाओ कि काओ क्या है, है ना, उसके बाद हम बोलें कि काओ से सिमिलर कोई भी अदर एनिमल जो है उसके ऊपर भी आप लोग जो है कैसे लिखें, तो इस तरीके से अलग अलग टाइप से अगर हम बच्चों को देंगे अलग अलग जो है प्रैक्टिसेस देंगे तो उसी को कहा जाता है मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोचेस, यानी कि बच्चे को जो है एक चीज़ सिखाने के लिए बहुत सारे तरीके हम अपनाएं, ताकि जो बच्चे की मेमोरी में वो जो भी पर्टिकुलर चीज़ हम सिखाना चाहते हैं, पर्टिकुलर लैंग्वेज हम सिखाना चाहते हैं, वो जो है अच्छे से फिट हो जाए। अब देखिए 10th जो है वो है बैलेंस्ड अप्रोच, बैलेंस्ड अप्रोच का मतलब है कि देखिए 4 स्किल्स होती हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, तो देखिए हम इस तरह से बच्चे को लैंग्वेज टीच करें कि ये सारी ही स्किल जो है बैलेंस्ड फॉर्म में बच्चे के सामने आ सकें, यानी कि सारी स्किल्स जो है जैसे लिसनिंग जो है वो भी बच्चा अच्छे से सीखे, अच्छे से ध्यान दे उस चीज़ों को, स्पोकन पर अच्छे से ध्यान दे, रिटन पर भी उतना ही मतलब वेटेज दिया जाए और उसकी रीडिंग पर भी उतना ही वेटेज दिया जाए, तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो देखिए सारे जितने भी हम
जो भी स्किल्स हैं उनको बिल्कुल बैलेंस्ड फॉर्म में, यानी कि ऐसा ना हो कि केवल एक ही स्किल को हम डेवलप करने में लग गए हैं, बाकी को इग्नोर कर दिया है। तो देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, तो यही जो होती है वो बैलेंस्ड अप्रोच होती है। आई होप आपको ये प्रिंसिपल्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों इनमें से डेफिनेटली 4 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल अच्छे से देखें, बार बार रिपीट करें। इवन मैंने बिल्कुल ईजी फॉर्म में आपको समझाया है, ईजिली आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे हम देखते हैं, फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स मस्ट कीप इन माइंड द फॉलोइंग मेन लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स। अब देखिए कुछ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स जो हैं फॉरेन लैंग्वेज सिखाते वक्त हमको याद रखने होंगे। देखिए पहला जो है वो है लैंग्वेज इज लर्न, यानी कि लैंग्वेज जो है एक नेचुरल अडॉप्टेशन नहीं है, नेचुरल जो लैंग्वेज है वो ऑटोमेटिकली नहीं आती है, ये एक लर्न फॉर्म है, यानी कि इसको अर्जित किया जाता है, अर्जित फॉर्म है, ना कि नेचुरल। मतलब बाय बर्थ कोई बच्चा लैंग्वेज लेकर के नहीं आता है, वो अपने एटमोसफेयर में जो है लैंग्वेज अडॉप्ट करता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज को लर्न करता है। तो लैंग्वेज जो है एक लर्न फॉर्म है, ना कि बाय बर्थ ऑटोमेटिकली आती है। सेकेंड पॉइंट जो है वो है लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम, लैंग्वेज जो है एक सिस्टम है। देखिए लैंग्वेज में हम एक सिस्टम के थ्रू चलते हैं, पहले जो बच्चा है उसकी लिसनिंग जो है बहुत अच्छी करी जाती है, उसके बाद जो है हम बच्चे को स्पोकन पर जो है जोर देते हैं, फिर रीडिंग पर देते हैं, आफ्टर देन राइटिंग पर देते हैं। तो देखिए ये जो है एक सिस्टम के थ्रू जो है लैंग्वेज डेवलप की जाती है। इसके अलावा अगर हम बच्चे को राइटिंग फॉर्म सिखाते हैं, तो देखिए मैंने इससे पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि बच्चे को सबसे पहले हम लेटर्स सिखाएंगे, डायरेक्टली हम उसको सेंटेंस पर नहीं लेकर के आ सकते हैं क्योंकि बच्चा समझेगा ही नहीं। हम बच्चे को पहले लेटर सिखाएंगे, उसके बाद जो है वर्ड्स फॉर्मेशन क्या होता है वो बताएंगे, आफ्टर देन हम उसको फ्रेजेस बताएंगे, उसके बाद जो है हम उसको सेंटेंसेस पर लेकर के आएंगे। तो ये जो एक सिस्टम होता है, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम ही जो है एक लैंग्वेज का सिस्टम होता है। अब देखिए थर्ड पॉइंट है लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स मीन्स लैंग्वेज जो होती है उसके थ्रू जो है हम अदर सिस्टम्स में एंटर करते हैं। देखिए किसी भी सिस्टम की अगर हम कोई भी काम करने जा रहे हैं, तो देखिए हमें सबसे पहले उसमें उस काम को डील करने के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि हमें सबसे पहले जो है लैंग्वेज आनी चाहिए उस वर्क को करने के लिए, दूसरों से कोऑर्डिनेट करने के लिए उस वर्क से रिलेटेड। तो जो लैंग्वेज है वो दूसरे सिस्टम को चलाने का एक सिस्टम है, ये चीज जो होती है लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम होता है। देखिए फोर्थ जो है वो है लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स। अब देखिए आपको पता है कि पर्टिकुलर हर लैंग्वेज में अपना एक सिंबल होता है, तो लैंग्वेज जो है एक सिंबल्स का सिस्टम है, यानी कि बच्चे को जो है जब हम सिखाते हैं तो डिफरेंट सिंबल्स के थ्रू लैंग्वेज डेवलप करते हैं। ये जो चीज़ होती है वो होती है लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स। नेक्स्ट है हमारे सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज आर आर्टिबरी। जो सिंबल्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं वो देखिए यानी कि पर्टिकुलर उसी चीज़ के लिए बने हुए हैं जो सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज होते हैं। तो देखिए इसको यानी कि जो जस्ट एग्जांपल अगर हमने ए बनाया है, तो देखिए ए के लिए हमने एक लेटर बनाया है और वो एक मनमाना, मतलब उसको पहले से कोई उसका जो है कोई रिलेशन नहीं है एप्पल के साथ डायरेक्टली, मतलब एप्पल के साथ कोई रिलेशन नहीं है उस ए लेटर का, लेकिन हमने उसके लिए एक पर्टिकुलर जो है लेटर ए अल्फाबेट जो है बना दिया है। तो देखिए जो जो ए है वो ए का साउंड निकालेगा, यानी कि इसका कोई अगर हम कहें डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये एक केवल जो है मनगढ़ंत तरीके से जो है फॉर्म कर दिए गए हैं, यानी कि जो सिंबल्स हैं वो मनगढ़ंत तरीके से ही फॉर्म कर दिए गए हैं। इसे कहा जाता है आर्बिट्री, देखिए इसे जो है आर्बिट्री कहा जाता है, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए मनमाने ढंग से कोई चीज़ नियुक्त कर देना, उसे आर्बिट्री कहते हैं। अब देखिए 6 पॉइंट है सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज आर वोकल। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो लैंग्वेज के जितने भी सिंबल्स होते हैं वो सब वोकल फॉर्म में होते हैं, इसे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। 7th वाला हम लोग देखते हैं लैंग्वेज इज़ यूनिक। देखिए लैंग्वेज इज़ यूनिक ये भी बहुत ही ईजी है, हर लैंग्वेज अपने आप में यूनिक है। यदि हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो देखिए उसमें इंग्लिश की अपनी एक फॉर्म है, हिंदी पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल इंग्लिश से डिफरेंट है, और अगर संस्कृत पढ़ जाते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट है, मलयालम तेलुगू हर लैंग्वेज जो है अपने आप में एक डिफरेंट जो है फॉर्म रखती है, इसीलिए जो है लैंग्वेज को यूनिक कहा गया है। 8th वाला हम लोग देखते हैं लैंग्वेज इज़ अ स्किल्ड सब्जेक्ट। देखिए लैंग्वेज में जो है अब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि लैंग्वेज में जो है लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग ये 4 स्किल्स जो होती हैं उनको डेवलप किया जाता है, इसीलिए जो है लैंग्वेज को एक स्किल कहा गया है। लैंग्वेज जो है एक क्या है आपके गुण है, एक
मतलब किसी भी चीज़ को डील करने का एक गुण हम कह सकते हैं, तो वो लैंग्वेज है। इसीलिए जो है लैंग्वेज को जो है इज़ अ स्किल ऑफ सब्जेक्ट्स कहा गया है। इसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये फोर जो है स्किल्स सीखी जाती हैं। अब देखिए नाइन्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं, लैंग्वेज इज़ फॉर कम्युनिकेशन। देखिए इसको मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कहूँगी, ये तो हम सबको आता है। टेंथ वाला हम लोग देखते हैं, लैंग्वेज इज़ रिलेटेड टू कल्चर। देखिए लैंग्वेज जो होती है पर्टिकुलर किसी भी कल्चर से जुड़ी हुई होती है। आप सबको पता है कि एक जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है तो वो फॉरेन कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, इसी तरीके से संस्कृत जो लैंग्वेज है हमारे पुराना जो कल्चर था हमारे इंडिया में उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हर एक लैंग्वेज जो है वो पर्टिकुलर कल्चर से जो है जुड़ी हुई है और उसको डिस्क्राइब करती है। देखिए 11th नंबर का हम लोग पॉइंट देखते हैं, लैंग्वेज इज़ एवर चेंजिंग, यानी कि लैंग्वेज जो है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। आपने देखा होगा कि हिंदी के अंदर जो है बहुत सारे वर्ड्स जो है नए यूज़ कर लिए गए हैं, यानी कि इंग्लिश से अडॉप्ट किए गए हैं, और सेम जो है इंग्लिश में भी ऐसा ही है कि बहुत सारे वर्ड्स जो है डायरेक्टली हिंदी से अडॉप्ट कर लिए गए हैं। तो टाइम टू टाइम जो है लैंग्वेज में चेंजेस आते रहते हैं, जैसे जैसे ज़माना बदलता है लैंग्वेज में नए नए वर्ड्स जो है वो अडॉप्ट होते जाते हैं। देखिए जैसे ब्रेकफास्ट होता है, जैसे पहले हम बोलते थे ब्रेकफास्ट, वो एक सेपरेट वर्ड है, लंच एक सेपरेट वर्ड है, लेकिन इन दोनों का जो है ब्रंच एक नया वर्ड बन गया है, कुछ सालों से ही आ गया है। ब्रंच का मतलब होता है ब्रेकफास्ट प्लस लंच, इसे ब्रंच कहते हैं। तो देखिए ये जो है एक नया जो है लैंग्वेज में अडॉप्ट कर लिया गया है। 12th वाला हम लोग देखते हैं, लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ग्रामर। देखिए लैंग्वेज की हर किसी की अपनी पर्टिकुलर ग्रामर होती है, आपको ये बिल्कुल अच्छे से पता होगा तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। 13 वाला हम लोग देखते हैं, लैंग्वेज हैज इट्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। हर लैंग्वेज का अपना एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, हर लैंग्वेज जो है सेंटेंसेस बनाती है, उसका जो है स्ट्रक्चर बनाती है, तो वो जो होता है वो होता है लैंग्वेज इज अ सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर। 14 नंबर का हम लोग देखते हैं, लैंग्वेज हैज सम स्पेसिफिक रूल्स, यानी कि लैंग्वेज को जब हम सिखाते हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक रूल होता है, यानी कि हम एक फॉर्म में जो है लैंग्वेज सिखाते हैं, मनगढ़ंत तरीके से लैंग्वेज सिखाना शुरू नहीं कर देते हैं। जैसे हम पहले लिसनिंग डेवलप करते हैं, बाद में जो है बच्चे की स्पीकिंग डेवलप की जाती है, फिर रीडिंग, देन राइटिंग जो है उस पर बच्चा आता है। राइटिंग जो है सबसे डिफ़िकल्ट जो है फॉर्म मानी जाती है किसी भी लैंग्वेज की, और आपको पता है कि लैंग्वेज जो चलती है वो इजी टू डिफ़िकल्ट चलती है, तो इसी पर्टिकुलर फॉर्म में हमको जो है लैंग्वेज को सिखाना होता है। तो ये लैंग्वेज का एक स्पेसिफिक रूल है। देखिए 15th नंबर का हम लोग देखते हैं, लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन वोकैबुलरी एंड टर्मिनोलॉजी। देखिए ये भी आप लोगों को सबको पता है कि हर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की अपनी वोकैबुलरी होती है और अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। जैसे कि तमिल में अलग टाइप की वर्ड्स चलते हैं, हिंदी में अलग टाइप्स के, इंग्लिश जो है बिल्कुल सेपरेट है, उसमें अपनी एक टर्मिनोलॉजी है, वो उसके अकॉर्डिंग चलती है और उसकी अपनी एक वोकैबुलरी है। तो देखिए ये जो है प्रिंसिपल्स मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई थी, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, यहाँ पर जो है हमारा पूरा जो है चैप्टर कवर होता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग से रिलेटेड। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप लोग जो आपके डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसके अलावा जो है इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होंगे मेरे पास, मैं वो भी यहाँ पर आपको सॉल्व करवा दूंगी। लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, प्रिपरेशन करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।